नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज की जो वीडियो है, पहले मैं ये साफ़ कर देता हूँ कि लूशो ग्रिड के ऊपर नहीं है। सिर्फ आपको एक चीज़ समझाने के लिए ये लूशो ग्रिड मैंने यहाँ पर रखी है, क्योंकि मुझे आज जो आपको बताना है वो बहुत ही कम लोग यूट्यूब पे बताते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि ये कैलकुलेशंस करना आप लोग खुद से सीखें, जिससे आपके पैसे भी बचें। आप चाहे मेरे से एनालिसिस कराएं या किसी से भी कराएं, तो उसमें आप लोगों के पैसे जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि भाई आप लोगों के पैसे बचें। और न्यूमरोलॉजी एक ऐसी विद्या है जो आप बहुत ही आसानी के साथ सीख सकते हैं। तो आज का जो वीडियो रहेगा वो लाइफ पाथ नंबर पे रहेगा, और लाइफ पाथ नंबर से कैसे तय करें हम लोग कि कैरियर हमारा क्या होगा, वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो लाइफ पाथ नंबर लूशो ग्रिड में भी मैंने इस्तेमाल किया था। अगर आपने लूशो ग्रिड वाली वीडियोज़ मेरी नहीं देखी हैं, तो आप एक लूशो ग्रिड वाली वीडियो ज़रूर देखें। मेरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में आपको दे दूंगा। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो आप लोगों को कर लेना है, जिससे कोई भी आपको दिक्कत आती है कैलकुलेशन में, तो आप मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हैं। अगर आपको लाइफ पाथ आपसे कैलकुलेट नहीं हो रहा है, या आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे सपोज़ करिए कि एक डेट ऑफ बर्थ लेता हूँ मैं, 20/1/2002, ठीक है। अब इसमें जो हमारा मूलांक, लाइफ पाथ को बोलते हैं भाग्यांक। लाइफ पाथ का मतलब होता है कि लॉन्गिविटी में आप क्या परफॉर्म करने वाले हो, क्या ट्रेंड्स आते हैं, ठीक है। ये जो आपका नंबर होता है, जिसे आप मूलांक बोलते हैं, जो कि आपका 2 आया, ये जो नंबर है ये कहीं ना कहीं आपकी करेक्टरिस्टिक्स को दिखाता है, जो आपके करेक्टरिस्टिक्स है, आप कैसे हो, क्या नहीं हो। साथ ही साथ अगर हम इस पूरे उसको जोड़ दें, तो +1 प्लस हमारा 2 और 2 4, 0 का कोई मूल्य हमारे पास नहीं होता। तो हमारे को क्या मिला, तो ये 3 और 1 4, 7 नंबर मिला। अब ये लूशो ग्रिड जो मैंने बनाई है, वो मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताई है कि हर नंबर का एक ग्रह है न्यूमरोलॉजी में। तो जैसे कि 1 नंबर पे हमारे पास सूर्य है, 7/2 पर हमारे पास चंद्र है, 3 पर गुरु है, 5 में बुध है, 4 पर राहु है, 9 पे मंगल है, 8 पे शनि है, 6 पे शुक्र है, और 7 जो इनका लाइफ पाथ नंबर जो है वो आया है, वो हमारा 7 नंबर यानी केतु है। अब हम एक एक नंबर को जान लेते हैं। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, आप अपनी कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं करके भी, और पूछ सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर भी। इंस्टाग्राम पर की आईडी मैंने आपको बताई, भटनागर अभी 2411, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखिए, अगर आपकी लाइफ पाथ नंबर 1 है, जैसे कि जो कि आपका सूर्य का नंबर है, मैं एक बार पेन यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ, जिससे आपको एक एक चीज़ क्लियर होती जाए। ये आपका किसका नंबर है, सूर्य का ग्रह का इस पे है। तो ये जो लाइफ पाथ नंबर जिनका 1 आएगा, वो अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखेंगे हमेशा, और लीडरशिप क्वालिटीज़ जो है वो इनके अंदर बहुत अच्छी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और कहीं ना कहीं जो एक तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, इन लोगों के पास आप जब भी जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में बहुत बढ़िया रहेंगे। ऐसे लोग पब्लिक स्पीकर्स, राइटर्स, कंसल्टेंट, बिजनेस ओनर्स, परफॉर्मर्स, पॉलिटिशियंस, टीचर, हीलर्स, आर्टिस्ट, एक्टिविस्ट, प्रोफेसर्स, पायलट्स, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स में बहुत अच्छा कर लेते हैं, सर्जन्स हो सकते हैं, डिज़ाइनर्स हो सकते हैं, बिल्डर हो सकते हैं, रेडियो ब्रॉडकास्टर हो सकते हैं, क्योंकि वॉइस कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया होती है, और एक्टिविटी लीडर्स हो सकते हैं, फिटनेस स्पोर्ट कोचेस हो सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें तो टीचर, पब्लिक स्पीकर, राइटर्स, मतलब लर्नेड लोग जो होते हैं, वो लाइफ पाथ नंबर 1 में आते हैं, जिनका सीधा इम्पैक्ट कहीं ना कहीं एजुकेशन से आ जाता है। अगर आप देखें तो इसमें मैक्सिमम जो कैरियर मैंने आपको बताए हैं, उसमें एजुकेशन का फैक्टर बहुत है। और ये जो लोग होते हैं, ये एक पाथ देने वाले लोग होते हैं, मोटिवेटर होते हैं, दूसरे को बहुत अच्छा ये देते हैं। अब 1 नंबर जो होता है वो सूर्य का नंबर होता है, और सूर्य किससे डिपेंड करता है, सूर्य करता है फादर से। तो अगर कहीं पर कहीं कन्फ्लिक्ट है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, तो कोशिश ये करो कि अपने फादर के साथ अपनी स्थिति को बहुत ही बढ़िया तरीके से रखो, उनके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी रखो, और साथ ही साथ सूर्य की आराधना करते रहो, सूर्य को जल आप रोज़ देते रहो। अगर आपका लाइफ पाथ नंबर आपका 2 आता है, तो आपका क्या स्थिति बनेगी, जो कि आपका चंद्र से रूल कर रहा है। ये जो लोग होते हैं, ये स्पॉटलाइट में रहना पसंद करते हैं, और सपोर्टिंग रोल ये लोग हमेशा देते हैं। और क्योंकि चंद्र थोड़ा सा ठंडा है, और कहीं ना कहीं चंद्र का सीधा रिलेशन आपकी मम्मी से है, तो कहीं ना कहीं ये हमेशा आपको सपोर्टिव लोग मिलेंगे, आपके साथ खड़े होने वाले लोग मिलेंगे।
ये कोऑपरेटिव अच्छे होते हैं, टीम वर्क में काम अच्छा करते हैं, और कहीं ना कहीं ये लोग जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करते हैं। ये लोग आर्ट्स में बहुत अच्छा रहते हैं, पब्लिक सर्विस प्रोफेशनल्स से जो लोग यूपीपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं ये लोग वहाँ पे बहुत अच्छा काम करते हैं। हेल्थ प्रोवाइडर्स अच्छे होते हैं, नर्सेज इसमें आ जाती हैं, मेडिकल से जितने भी रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब इसमें आ जाती हैं। पर्सनल असिस्टेंट आपके इसके अंदर ही आ जाते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव आर्ट्स, नॉन प्रॉफिट एडमिनिस्ट्रेशन जो एनजीओज में वर्क करते हैं लोग, वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। और कहीं ना कहीं डिटेल वर्कर्स, टेक्नीशियंस, जहाँ पर जो सपोर्टिंग रोल्स की जॉब्स हैं वो सारी लाइफ पाथ नंबर 2 के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। राइटर्स या ट्रांसलेटर्स जो होते हैं वो लोग, और कहीं ना कहीं फैशन प्रोफेशनल भी इसी के अंदर यहाँ पर आ जाते हैं। अब 3 नंबर जो है हमारा वो किसका है, वो हमारा गुरु का है, यानी कि जुपिटर, जुपिटर का है। ये जो है ये आउटसाइड द बॉक्स सोचने वाले लोग होते हैं, क्रिएटिव लोग होते हैं, कहीं ना कहीं हर चीज़ को नए पैटर्न से करने वाले लोग होते हैं, और इन्हें क्या है कि इनको कुछ नया चाहिए जीवन में। बहुत ज़्यादा नई चीज़ों की तरफ ये लोग जाते हैं, इनको फ्रीडम चाहिए अपने आइडियाज़ को यहाँ पर फैलाने के लिए, करने के लिए, और इनका एक यूनिक तरीका होता है काम करने का। फिल्म मेकर्स, डांसर, राइटर्स, पेंटर्स, फोटोग्राफर्स, हेयर स्टाइलिस्ट, राइटर्स, जो क्रिएटिव फील्ड्स हैं वो सारी 3 नंबर के अंदर आ जाती हैं। डॉक्टर्स, केमिस्ट, कार्टूनिस्ट, ग्राफिक डिज़ाइनर्स, गार्डनर्स, स्क्रीन राइटर्स, काउंसलर्स, लैंग्वेज टीचर्स, आर्ट क्रिएटर्स, एंड जो वेडिंग प्लानर्स होते हैं वो भी, अगर आप हैं तो, मतलब आप चाह रहे हैं कि कंफ्यूज अगर आप हो रहे हैं तो आप लाइफ पाथ नंबर के थ्रू पता पता कर सकते हैं कि कौन सा कैरियर आपके लिए सूटेबल रहेगा। तो अब तक की कोई दिक्कत अगर है तो मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ फिर से कि आपने क्या कर रहे हैं। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लेनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको आपको डिकम्पोज कर लेना है एक डिजिट में, जैसे 2.0+2 आ गया, 0, 1 का 1 आ गया, और इस 2002 था तो यहाँ पर 0 का कोई मूल्य नहीं है। लेकिन अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 96 है तो आपको उसको पूरे को जोड़ना पड़ेगा, तो 9, 6, 15 और 10 आपका 25 आएगा, 25 का आपको 7 लेना है, ठीक है, और 7 को फिर वो पूरी डेट ऑफ बर्थ में आपको जोड़ देना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं चौथे पर, कि चौथा हमारा राहु है। राहु का जो नंबर है ये स्टेबिलिटी का नंबर है। कहीं ना कहीं ऐसे जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं इम्प्रूविंग नेचुरली करते हैं अपने आप को, हार्डवर्किंग के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। इवेंट प्लानर हो सकते हैं, कहीं ना कहीं इंजीनियर्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानर्स हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में लोग जा सकते हैं, बैंकर्स बन सकते हैं, टैक्स प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, अकाउंटेंट हो सकते हैं, कारपेंटर्स। अगर आप क्लोजली वॉच करो तो जो फाइनेंशियल पोजिशंस हैं वो ज़्यादातर राहू यानी कि 4 नंबर लाइफ पाथ के पास जो हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। कंस्ट्रक्शन, स्कूल्स एंड थिएटर्स, पेनेट्रीज, प्रोफेशनल्स जो हैं वो सारे आपको इसके अंदर मिलेंगे। पब्लिशर्स जो होंगे वो आपको इसके अंदर यहाँ पर मिलेंगे। वीडियो अगर तुम्हें अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि इन तरह की वीडियोस बनाने में थोड़ा टाइम मेरा भी लग जाता है, और आप लोग जब लाइक नहीं करते हो तो थोड़ा यार मुझे बैड फील होता है। तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो भी कैलकुलेट करें और कमेंट करें। अब आ जाते हैं 5 नंबर में। ये अगेन बैलेंसिंग नंबर है, बुध का नंबर है, तो फ्रीडम और ट्रैवल इन्हें पसंद है, और इनकी जो लाइफ है वो ऐसी है कि आगे क्या करने वाले हैं वो ये पहले से सोच के रखते हैं, तो फ्यूचरिस्टिक इंट्यूशंस काफ़ी अच्छी रहती हैं इनकी। जो इनको वर्सेटाइलिटी पसंद है, यानी कि एक समय में बहुत सारी चीज़ें ये करना चाहते हैं, एंड ये अपने आप को एक्सप्रेस करना जानते हैं। बुध किस किसको डिनोट करता है, सीधा गणेश जी को करता है, तो बुद्धि जो है वो काफ़ी हद तक इनके अंदर होती है। ये मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे एक साथ काम कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं स्पॉन्टेनियस यानी कि हाजिर जवाबी जो होती है वो इनके अंदर होती है। ये लोग मार्केटिंग में अच्छा करते हैं, ट्रैवल जॉब्स में अच्छा करते हैं, थिएटर्स में अच्छा करते हैं, राइटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनर, जर्नलिज्म में अच्छा करते हैं, फ्रीलांसिंग की जॉब्स ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला ना ये एक समय में 2 चीज़ें ये कर लेते हैं। और कस्टमर सर्विसेज, हॉस्पिटैलिटी, मतलब हॉस्पिटैलिटी जो होती है वो कर सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हो सकते हैं, और शायर हो सकते हैं,
शायरी कर सकते हैं, स्पिरिचुअल कोचिंग कर सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं, रिसर्च फोटोग्राफी कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत स्काई ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो भी इसमें बन सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया एक मैं आपको आज चीज़ बता रहा हूँ, ये बताएगा नहीं आपको कोई। अब आ जाते हैं भैया वीनस पे, जो कि है हमारा शुक्र, जो कि है लग्जरी का नंबर। ये जो लोग होते हैं इनके डिज़ायर बहुत अच्छी होती है, और कहीं ना कहीं ज़िंदगी को खुले दिमाग से जीना, बहुत अच्छे करना, अपने आप को मोटिवेट रखना, दूसरे को मोटिवेट करना, दूसरों की हेल्प करना, और जो भी इनकम लेवल्स में आती हैं, मतलब अपने आप को थोड़ा सा सिस्टम से थोड़ा सा अलग करके रखना, ये इनके अंदर आता है। ये कैरियर फैमिली कोच हो सकते हैं, चाइल्ड केयर वर्कर हो सकते हैं, स्कूल टीचर हो सकते हैं, पब्लिक रिलेशन वर्कर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, एनिमल रेस्क्यू में काम कर सकते हैं, एनवायरमेंटल के जो जॉब्स होते हैं वो कर सकते हैं, स्टंट मैन हो सकते हैं, और एक फिल्म मेकर हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं मैकेनिक हो सकते हैं, और बेकर और चेफ भी हो सकते हैं। तो पब्लिक रिलेशन जो की जॉब्स होती हैं वो भी इसके अंदर यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। अब आ जाते हैं हम सात, जो कि केतु का नंबर है। केतु क्या कहता है? केतु कहता है कि डीप थिंकिंग के लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और स्पिरिचुअल थिंग्स में बहुत अच्छा ये लोग कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं बिग आइडियाज़, इंट्यूशंस बहुत अच्छी होती हैं, और आउट ऑफ द बाउंड्री, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, और थोड़ा सा डीप थिंकिंग ज़्यादा होती है तो थोड़ा सा लेज़ी किस्म के हो जाते हैं। ये इन्वेस्टिगेटर बहुत अच्छे होते हैं, रिसर्चर बहुत अच्छे होते हैं, और प्रोफेसर बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, क्योंकि थिंक टैंक बहुत अच्छे होते हैं। इवन मरीन जो जॉब्स होती हैं उसके अंदर भी लोग काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं हिस्टोरियन हो सकते हैं। तो ये जो रिसर्च वाली जो फील्ड्स हैं वो सेवन के पास हैं, तो सेवन आपके लिए है। अब आ जाते हैं हम लोग आठ नंबर पे, जो कि हमारा शनि का नंबर है। अब ये शनि क्या कर रहे हैं भाई? शनि जो है थोड़े से स्लो प्लैनेट हैं, लेकिन जजमेंट बहुत अच्छी होती है, तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाली जो जॉब्स होती हैं वो सारी इनको मिल जाती हैं। ये कहीं ना कहीं एक्सट्रीमली हाई अचीविंग के जो मेथड्स होती है ये उन पर काम करते हैं, और लीडरशिप क्वालिटीज़ इनकी बहुत ज़बरदस्त होती हैं। लाइफ पाथ नंबर अगर आठ आपका है तो आप इन्वेस्टर हो सकते हैं, फ्रेंचाइजीज खोल सकते हैं, जज हो सकते हैं, सिविल इंजीनियर हो सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आप हेड हो सकते हैं, एक फाइनेंशियल मैनेजर हो सकते हैं, किसी भी एजुकेशन सिस्टम में यानी कि स्कूल कॉलेज या आपके इंस्टीट्यूशन में आप उसके कर्ता धर्ता यानी कि हेड हो सकते हैं। गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर बहुत अच्छे तरीके से आ जाती है, आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। तो मैंने बोला ना, हायर लेवल की जितनी भी जॉब्स हैं वो सारी आठ नंबर के अधीन आती हैं, जिनका लाइफ पाथ नंबर हमारा आठ होता है। अब आ जाते हैं नौ नंबर के ऊपर, जो हमारा लास्ट नंबर है। ये भैया जो भी काम करते हैं ये बहुत ज़्यादा हार्ट से काम करते हैं, और ये थोड़ा सा फेरी टेल में भी ज़िंदगी को जीते हैं, जिससे कई बार दिक्कतें हो जाती हैं। इनके अंदर एक आदत होती है, ये सेक्रीफाइस वाला नंबर है, किसी के लिए, दूसरों के लिए अपने काम को सेक्रीफाइस करना कोई इनसे सीख सकता है। स्पिरिचुअल होते हैं, रिलीजियस होते हैं, और फियरलेस होते हैं, जो भी काम करेंगे खुले दिल से करेंगे। तो यहाँ पर जितना भी है, सोशल वर्कर हो गया, रेस्क्यू वर्कर हो गया, रेडियो अनाउंसर हो गया, नर्स, डॉक्टर, कोच, म्यूजिशियन, वर्क विद एनिमल्स, रिलेशंस, जर्नलिस्ट, स्पिरिचुअल टीचर, ह्यूमिशन, ह्यूमेटेरियंस, डिप्लोमेट, ये सब चीज़ें इनके अंदर जो है वो आ जाती हैं। तो यहाँ नाइन नंबर तक मैंने आपको बताया कि क्योंकि हमारे इंडिया में जो है वो नाइन नंबर तक की हम लोग बात करते हैं। 11, 22 जो हमारे नंबर्स होते हैं, जो मास्टर नंबर्स इनको आप लोग बोलते हो, उनको हम लोग इंडिया में नहीं लेते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, और कहीं ना कहीं मैं आपको मिलूंगा एक नई वीडियो में, अगर आप इसका रिस्पांस अच्छा देते हैं। प्लान कर रहा हूँ कि हाउ टू फाइंड योर लकी नंबर एंड हाउ टू फाइंड योर लकी नेम, नेम कैलकुलेशंस मैं चाह रहा हूँ आप लोगों को सिखाऊं। तो अगर आप चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, और वहाँ मुझे पिंग करिए, मुझे फॉलो करके बताइए कि आपके कैलकुलेशंस कहाँ कितनी गड़बड़ हो रही है, क्या हो रही है। कमेंट भी करना है यहाँ पर, और लाइक कर देना। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना समय आपने दिया मुझे और समझा इस चीज़ को, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि आज आपने एक नई चीज़ सीखी है। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो।